गुरु प्यारे सत्संग जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ और आवाज़ के माध्यम से आप सब से जुड़ा हुआ हूँ। आज पूज्य मुनीर साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्चा संत या फकीर में फरमाए के वचन आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन इन्हें गौर से सुने और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सो पेश है पूज्य मुनीर साहब जी के वचन और आज कल से आगे। साधु और संत में अंतर। आज पूज्य मुनीर साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि जिस पवित्र हस्ती के अंदर सतगुरु प्रकट है और जो उसके साथ मिलकर अभेद हो चुका है, वह सच्चा साधु या संत है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि साध हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द पार की होए जो तेसर माथे मोर। और इसी बात को तुलसी साहब जी इस तरह बयान करते हैं कि शब्द भेदी साखी लखे, सोई संत सो जाना हो, अगम निगम की चीन के बानी पहचाना हो। इससे आगे पूज्य मुनीर साहब जी फरमाते हैं कि साधु वह है जिसने किसी कामिल मुर्शिद या पूरे संत से दीक्षा लेकर नाम या शब्द की साधना द्वारा अपनी आत्मा को पार ब्रह्म देश में ले जाकर अंतर अमृतसर में स्नान कराकर शुद्ध कर लिया। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन साहब जी इस बात को इस तरह पेश करते हैं, पार ब्रह्म साध हृदय बसे, नानक उधरे साध सुन रसे। ऐसा साधु तीनों गुणों की सीमा से पार हो जाता है और काम क्रोध इत्यादि उसके वश में हो जाते हैं और मन जो तीनों लोगों को नचा रहा है उसका एक तुच्छ सेवक बन जाता है। ऐसे साधु का उपदेश सुनने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जिसने अपनी आत्मा को नौ दरों से निकालकर दसवीं गली के रास्ते से सहस्त्र दर कमल और ब्रह्म देश के पार करा उसे मान सरोवर में नहला लिया हो, वही शख्स साधु कहलाने का अधिकारी है। और अपनी वाणी में कबीर साहब जी इस तरह बयान करते हैं, सात सो ही जिन ए गढ़ लीना, नौ दरवाजे प्रगट कीना, दसवां खोल जाए दिन दीना, जहां कुफल रहा मारा है। आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ नहाई, हंसल मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। पूज्य मुनीर साहब जी फरमाते हैं कि संत सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। जो जीव पार ब्रह्म से आगे सार शब्द को पकड़कर सतलोक पहुंच जाता है और अंदर सच्चे मालिक को प्रकट करके उसमें मिलकर अभेद हो जाता है, जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है। हरि हर जन दोई एक हैं, बिंब विचार कुछ नाहीं, उनको संत कहते हैं। सार वचन में स्वामी जी महाराज इस बात को इस तरह पेश करते हैं कि संत कहें हम उनको भाई, सतलोक जिन सुरत समाई, संत बिना कोई वहां न पहुंचा, बिन वहां पहुंचे संत न होता। और इस बात को भगत रविदास जी फरमाते हैं कि संत अंत है अंतर नाहीं। परम संत वह है जो सत्य देश की सबसे ऊंची अवस्था अनामी देश में पहुंच चुका हो। इससे आगे पूज्य मुनीर साहब जी फरमाते हैं कि संत और परम संत में मामूली सा भेद है। उस सच्चे मालिक ने अपना मिलाप स्वयं अपने और संतों के हाथ में रखा हुआ है। वह मालिक अगम और अगोचर है। रचना करके स्वयं हुक्म शब्द या नाम रूपी सारी रचना में रमा हुआ कण कण को जीवन और ताकत दे रहा है, इसलिए उसे राम कहते हैं, जिसका अर्थ है रमेता सुरामा। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह बयान करते हैं, जिन जग सिरजे समाया सो, साहब कुदरत जानो वा, सच्चड़ा दूर न भाड़िए, कट कट शब्द पछोणो वा। अर्थात जिस मालिक ने यह रचना की है वह इस सृष्टि में ही विद्यमान है, दूर नहीं, घट घट में कण कण में शब्द रूप में समाया हुआ है। इस शब्द को
ईसाई वर्ड कहते हैं, मुसलमान कलमा, कलाम इलाही, बांग आसमानी या निदा कहते हैं। वह एक ऐसी आवाज़ है जो संसार की किसी भी भाषा से संबंध नहीं रखती। वह शब्द ना तो हिंदी, ना पंजाबी, ना फारसी, ना अंग्रेज़ी और न ही किसी अन्य सांसारिक भाषा में है। न आँखों से देखा और न ही कानों से सुना जा सकता है। वह केवल आत्मिक अनुभव से संबंध रखता है। पलटू साहब इस बात को इस तरह बयान करते हैं, शब्द शब्द सबको कहे, वह तो शब्द विदेह, जीबा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। पलटू साहब इस बात को इस तरह बयान करते हैं कि नाम डोर है गुप्त को नहीं जानता, ने अक्षर ने रूप दृष्ट नहीं आपता। और मौलवी साहब फरमाते हैं कि तुर्किस्तान व कुर्द, फारस, गोया और अरब के लोगों ने इस आवाज़ या शब्द को बिना कानों और बिना होठों के जाना है। अपनी मसनवी में इस तरह फरमाते हैं, तुर्क व कुर्द व फारसी व अरब फहम करदाई निदाई बेगोश लब। और इसी मौजू को शाह बाहू सुल्तान इस तरह फरमाते हैं कि मीम मुर्शद हादी सबक पढ़ाया, ओह बिन पढ़ियों पवे पढ़ी वे हो, उंगलां कन्ना विच दतियाँ बिन सुनियों पया सुनी वे हो। बल्कि वह शब्द या नाम इस दुनिया की वस्तु ही नहीं, वह सूक्ष्म मंडलों में जाकर मिलता है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी इस बात को इस तरह बयान करते हैं, इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आई। वह शब्द या नाम सारे जगत का कर्ता है और सब खंडों ब्रह्मांडों को एक नियम के अंदर चला रहा है। पांचवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवण। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि बाहरी लिखे हुए शब्द खंडों ब्रह्मांडों की रचना नहीं कर सकते, रचना चलाने का साधन। काल का जाल, काल जो त्रिलोकी तक की सारी रचना को चला रहा है, वह भी इस शब्द द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। वह मालिक सारी रचना करने के बाद स्वयं अंतर्मुख सख्त किवाड़ बंद करके बैठा है और जितनी जन्म मरण और सृष्टि चलाने की कार्रवाई है वह सारी उसने काल को सौंप रखी है। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि खंड पताल दीप सब लोआ, सब काल वस आप प्रभ किया। अपनी सीमा के अंदर काल ने अपने शब्द या हुक्म के द्वारा सारी सृष्टि के चलाने का प्रबंध कर रखा है। उसने जीवों को अपने वश में करने के लिए अनेक प्रकार के साधन बना रखे हैं और उनको अपने अधीन रखने के लिए पाप और पुण्य का बीज डाल रखा है। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी इस बात को इस तरह बयान करते हैं कि पाप पुण्य बीज की पोट। और इससे आगे महात्मा चरणदास जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह खोलते हैं कि पाप पुण्य के सत्य ही ठहर रहा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिटते ही होठ खंड हो खंड। बिरले जन को होत है पाप पुण्य की सूझ, सोई उतरे भवजाल से बहुते रहे अरुज। इस बात को कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सारे जीव पाप और पुण्य के जाल में फंसकर त्रिलोकी के पिंजरे के अंदर ही अंदर चक्कर काट रहे हैं और काल के शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं। फरमाते हैं, तीन लोक का पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जाल, सकल जीव साबज भय एक अहेरी काल। आगे फरमाते हैं कि या तो जीव विषय विकारों में फंसकर उनके सामान प्राप्त करने के लिए अनेक पाप करता है, या पुण्य करके अच्छी योनियों अथवा कुछ समय तक स्वर्गों के सुख भोगता है। लेकिन ये दोनों ही इसको फंसाने के साधन हैं और जीव 84 की जेल से बाहर नहीं निकल सकता। आप फरमाते हैं कि इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार की भक्ति काल ने जीवों को फंसाने के लिए जारी कर रखी है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु प्रपंच पथारा हो, जैसे वधिक ओठ टाटी के देव विश्वास से चारा हो।
कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जप तप नीम धर्म आचार यज्ञ योग आदि जितने भी कर्मकांड हैं सब उरले व्यवहार हैं, अर्थात ये निचले दर्जे की भक्ति है। इनके करने से सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होती। यह सब काल शिकारी का फैलाया हुआ जाल है। अगर काल के जाल से निकलना चाहते हो तो अंदर शब्द या नाम को प्रकट करने का प्रयत्न करो। इससे आगे कबीर साहब जी अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि नीम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जासे मिले अखंड मोक्ष सुख सो मार्ग है न्यारा। काल जाल से बांचा चाहो गहो शब्द तत्सारा, कहें कबीर अमर कर राखो जो परखो टक सारा। इस बात को गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि जितने भी जप तप विद्याएं व चतुराइयां हैं ये सब उल्टे रास्ते हैं। अंदर शब्द या नाम को प्रकट किए बिना मनुष्य जन्म व्यर्थ जाता है और आगे जाकर इसके सिर में राख पड़ती है। गुरु नानक साहब जी अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं कि सब जप सब तप सब चतुराई उजड़ भर में राह न पाई, बिन बुझे न कोई था न पाई, नाम बिहुणे माथे छाई। असल में इस शब्द या नाम को प्रकट करना और इसके सुनने का प्रयत्न करना ही सच्ची भक्ति है, जो जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाती है। गुरु नानक साहब जी इस बात को आगे इस तरह बयान करते हैं, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कभू न छुटसी बिरथा जन्म भयो। आगे पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि सोधत सोधत तत्व विचार्यो भक्ति श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल विधि उरी। फिर आगे फरमाते हैं कि चार वेद की व्यास ने अर्थ विचार विचार, तामे निकसी भक्ति ही राम नाम तत्सार। काल इस शब्द या नाम की भक्ति से डरता है, अन्य किसी की प्रकार की भक्ति से नहीं डरता। ये गुरु नानक साहब जी की वाणी का हवाला देते हुए फरमाते हैं कि बिन नामे दुख काल संतापे, तिथे काल न अपड़े जिथे गुरु का शब्द अपार। फिर फरमाते हैं कि जिया रे ओला नाम का, अवर जो कर्म कमावने तिन में भव है जम का। गुरु अर्जुन साहब जी इस स्पष्ट रूप से समझाते हुए कि सब जगत को रचने वाला, सब जीवों पर कृपा करने वाला, रहम करने वाला और बख्शीश करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक है, जिसके अपने अपने धर्म व भाषा के अनुसार लोगों ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। कोई उसको राम कहकर पुकारता है और कोई उसको खुदा कहता है, कोई गुसाई कहकर उसकी भक्ति करता है और कोई अल्लाह के नाम से बंदगी करता है, कोई उसकी प्राप्ति तीर्थों में नहाकर करने का यत्न करता है और कोई उसके लिए मक्के के हज के लिए जाता है, कोई उसकी मूर्ति यानी कि सूरतें बनाकर पूजा करता है और कोई उसके लिए नमाजें अदा करता है। हिंदू वेद आदि पुस्तकों को पढ़कर उसे जानना चाहते हैं और मुसलमान कुरान शरीफ पढ़कर, कोई उसको नीले वस्त्र पहनकर और कोई सफ़ेद पहनकर खुश करना चाहता है। मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान होकर ही उस अल्लाह को प्राप्त किया जा सकता है और हिंदू कहते हैं कि हिंदू बनकर ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है। कोई उसे बहिश्तों में जाकर ढूंढता है और कोई स्वर्गों में। गुरु अर्जुन साहब जी फरमाते हैं कि इनमें से किसी भी साधन द्वारा उस मालिक की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन लोगों ने उसके हुक्म शब्द या नाम अथवा कलमे को अंदर प्रकट करने का अभ्यास किया है और उससे संबंध जोड़ लिया है, वही उसके भेद को जान सके हैं। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में इस शब्द द्वारा इस तरह फरमाते हैं कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाहे, कारण कर्म करीम कृपा धार रहीम। कोई नहावे तीर्थ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सुपेद, कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाछे भिसत, कोई सिरगिंदू। कहो नान जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहब का तिन भेद जाता। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि सच्चे नाम की भक्ति में लगना निरोल सतगुरु की मेहर पर निर्भर है।
आगे फरमाते हैं कि सच्चे शब्द या नाम की भक्ति में लगना, उसको अपने अंदर प्रकट कर उसका रस लेना सतगुरु की निरोल बख्शिश पर निर्भर करता है। उस सच्चे नाम के दात की बख्शीश उस मालिक ने स्वयं अपने संतों के हाथ में रखी हुई है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी इस बात की ताईद करते हैं कि दाते दात रखी हथ अपने, जिस पावे तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया दरगह जापे सही। इससे आगे पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। फिर आगे गुरु साहब जी फरमाते हैं कि जिस वखर को लैण तू आया, कि राम नाम संतन घर पाया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पलटू साहब जी अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावें, वे हैं वाकफकार मिलन की राह बतावें, जप तप तीर्थ व्रत करे बहु तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेंट न होई। पलटू ये है प्राण पर आद सेती और अंत, संत स्नेही नाम है नाम स्नेही संत। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि मालिक इंसानी चोला पहनता है, मालिक या सतगुरु सर्व गुणों का भंडार है, वह सर्व व्यापक है, लेकिन सर्व व्यापक होते हुए भी किसी को गुप्त रूप से शिक्षा नहीं देता। अपने गुणों का खजाना वह किसी इंसान के अंदर बैठकर ही बांटता है। उदाहरणतः वैद्य या डॉक्टरी की विद्या किसी इंसान के अंदर बैठकर ही सिखाता है और इंसान के अंदर बैठकर ही हमारी बीमारियों का इलाज करता है। उस मालिक की हर जगह मौजूदगी होते हुए भी जीव चोरियां, डकैतियां तथा अन्य सैकड़ों अपराध करते हैं, नरकों में जाते हैं, 84 के चक्कर में धक्के खा रहे हैं और अशांति में विचर रहे हैं, परंतु वह सबके अंदर बैठा हुआ गुप्त रूप से किसी का कोई सुधार नहीं करता। जब भी आत्म कल्याण की कोई कार्रवाई करना चाहता है तो हमारे पथ प्रदर्शन के लिए और हमारे समझाने के लिए, हमारे अंदर सद्गुणों पैदा करने के लिए, हमें सुमार्ग पर चलाने के लिए, हमारे अंदर अस्तित्व का विश्वास तथा भरोसा पैदा करने के लिए वह मानव शरीर धारण करता है। अन्यथा न तो हमें उसके स्थान का पता है और न ही रास्ते का, और न ही हमें उसके अस्तित्व में पूर्ण विश्वास है। यदि वह इस प्रकार का प्रबंध न करे तो हम वापस अपने निज घर जा नहीं सकते। चौथी पातशाही इस बात को इस तरह फरमाते हैं, आपे वणतन सब तह प्यारा, आपे गुरमुख जापे। सतगुरु तो अकथ और निराला है, जीव को समझाकर उन्हें वापस ले जाने के लिए उसे मनुष्य का चोला पहनना पड़ता है, चाहे इस काम के लिए वह स्वयं आए या चाहे अपने संतों या गुरमुखों को भेजे। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि साध रूप अपना तन धारिया, और इससे आगे कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि हमरो भरतो बड़ो विवेकी आप संत कहावे। फिर फरमाते हैं कि देह धारे बिना वह परमात्मा हमें किस तरह समझा सकता है। ब्रह्म बोले काया की ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। और इस बात को शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि वह पातशाहों का पातशाह द्वार बंद करके बैठा है और खुद ही आदमी का चोला पहनकर दरवाज़ा खोलने के लिए आता है। और अपनी मसनवी में शम्स तबरेज़ साहब अपने फारसी के शेर में इस तरह फरमाते हैं, आ पातशाह आज़म दर बस्त बूदमोकम पोशीदा दिल के आदम यानी के बरदर आमद। इससे आगे पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी भी इस तरह ही बयान करते हैं कि संतन पह आप उदाहरण आयो। बुल्ले शाह भी अपनी बाणी में इस तरह बयान करते हैं कि मौला आदमी बन आया, ओह आया जग जगाया। बाइबल में संत यूहन्ना सेंट जॉन लिखते हैं कि वह शब्द रूप मालिक देह धार कर अपनी कृपा और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे साथ रह रहा है। इससे आगे हाफिज साहब फरमाते हैं कि सूरत अपनी देखण ताई
दिल पर जानी मेरे आदम दे बुत खाने अंदर आने लगाए डेरे। जब मालिक स्वयं इंसानी चोला पहनकर तो छोटी उम्र में ही परमार्थ का प्रचार शुरू कर देता है। वह स्वयं मालिक होता है और उसको किसी से कोई शिक्षा या दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे गुरु नानक साहब, कबीर साहब। और यदि वह किसी से शिक्षा लेता भी है तो नाम मात्र और केवल दिखलाने के लिए, और इस बात को समझाने के लिए कि संतों की मदद के बिना इस मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे कबीर साहब ने रामानंद से शिक्षा ली, इसके बारे में धर्मदास एक शब्द में फरमाते हैं, संतो सतगुरु जग में आया, नाम पान परवाना लाया, जीवों का बंधन छुड़ाया, रामानंद को गुरु बनाया, काशी में दास कहलवाया। जब मालिक इंसानी चोले में आता है तो परमार्थ की बाढ़ आ जाती है और उसके प्रवाह से लाखों जीव लाभ उठा जाते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी सेवा में सच्चा संत या फकीर ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।